और धीरे धीरे हम लोग हिमालय की गोद में जा रहे हैं। मेरे सामने भाई हिमालय पर्वत, वेलकम टू हिमालय। भाई नीचे देखो भाई साहब, अभी हम दोनों के अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी बाहर का बंदा नहीं है। तो गाइस देखो तुम्हारा भाई कहाँ पहुंच चुका है, भाई जन्नत। और भाई बहुत ही टफ है आगे जाना। तो कहते हैं जब इस पूरी सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले एक ध्वनि निकली जिसका नाम है ओम। और ऐसा माना जाता है कि इस विश्व में ओम को 8 जगह पर स्थापित किया गया है, और अभी तक इस ओम के सिर्फ एक ही प्रतिबिंब की खोज हुई है जो कि हमारे भारत देश के उत्तराखंड में है। और आज मुझे मौका मिला है उस ओम पर्वत के दर्शन करने का। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस ओम की, जिसको देखने के लिए हम भाग्यशाली बने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं हूँ बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के एकदम पास, और अभी मैं हूँ धारचुला में जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यार आज मैं जाने वाला हूँ ओम पर्वत, और आपको तो पता ही है मेरी ओम पर्वत की सीरीज चल रही है। मैं और मेरे साथी हिमांशु भाई हम निकले हैं ओम पर्वत के लिए। तो यार जैसे कि आपको दिख रहा है हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं ओम पर्वत के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन निकलेंगे यार ओम पर्वत की जर्नी के लिए। तो गाइस अभी मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। तो यार गाइस हम लोग ना रेडी हो चुके हैं धारचुला से निकलने के लिए, और हमने अपना सामान पैक कर दिया, हिमांशु भाई ने भी अपना सामान पैक कर लिया। और यहाँ के लोकल से बात हुई थी, वो कह रहे थे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, और भाई देखते हैं हम भगवान भरोसे चल रहे हैं, आज जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी होगी। तो चलते हैं अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो गाइस आज की हमारी ओम पर्वत की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, और एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ और जय ओम पर्वत। तो गाइस ये प्लेस है धारचुला से लगभग 1 किलोमीटर के अराउंड, और यहीं से एक रोड ख़राब है और हमारे आर्मी के जवान आ रहे हैं भाई यहाँ से। तो भाई यहाँ पे पूरी आर्मी रहती है, हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे ड्यूटी देते हैं यार। और हमने पहाड़ों पर बहुत ऊपर जाना है भाई, ये देखो ये रोड दिख रही होगी आपको, ये जिग जैग वाली रोड, तो हमें यार वो ऊपर चोटी पे जाना है। और गाइस यहाँ से हमें हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, और ये फर्स्ट व्यू है हिमालय पर्वत का। और ओम पर्वत में भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, यहाँ के लोकल से बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो कहते हैं यार कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो अभी का पता नहीं है कि रोड कैसी होगी, और हम भी अपने रिस्क पर चल रहे हैं। नेपाल के पहाड़ दिख रहे हैं और नेपाल के गाँव दिख रहे हैं भाई, ये देखो ये नीचे सारे नेपाल के गाँव हैं। तो भाई यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग है बहुत ही ख़तरनाक सी, और अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर है भाई, पता ही नहीं चल रहा। हिमालयन तो आराम से पार हो गई, और ड्यूक में भाई ऑफ रोडिंग में दिक्कत है ज़रा। यहाँ पे क्या हो रहा ना, ब्लास्टिंग हो रही है पहाड़ों में, और भाई ये देखो पूरा रोड का मटेरियल रखा हुआ है। तो भैया हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से कभी भी पत्थर गिर सकता है, थोड़ा सा पीछे करनी पड़ेगी, एक मिनट हल्का सा पीछे, बस अब निकल जाएगी, चलो चलो चलो। तो भाई यहाँ पे शायद रोड का काम चल रहा है, और ये देखो भाई एक बार ये रोड बन गई ना भाई लद्दाख फेल है। यहाँ पे लद्दाख के जितने भी जाने वाले लोग हैं ना वो यहाँ आ जाएंगे, सीरियसली इट्स अ टोटली एडवेंचर भाई, बहुत बड़ा एडवेंचर भाई, ये बहुत तगड़ी एडवेंचर राइड होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि भाई देखो हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है, हर जगह पे रोड बन रही है। निकल चुका है ट्रक, इसके पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, देन जब उधर से सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी तब हम लोग जाएंगे उस साइड। और ओम पर्वत तक भाई यही रोड होने वाली है, पूरी ऑफ रोडिंग होने वाली है ओम पर्वत तक। तो गाइस हम अभी पहुंचने वाले हैं एलागढ़, और यहाँ पे भी एक ब्रिज है जो कि भारत और नेपाल को मिलाता है। और भाई इस रोड पे ना इतने प्यारे प्यारे वाटरफॉल भी देखने को मिल रहे हैं, हर जगह पे हर 500 मीटर पे वाटरफॉल मिल रहा है, ये देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड है काफी, और एक बारी में एक ही गाड़ी जाने की जगह, तो 10-15 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी रोड मिली है। और यार ये वैली देखो कितनी प्यारी वैली है, ऊंचे ऊंचे से पहाड़ इंडिया और नेपाल के पहाड़, और बीच में काली गंगा बह रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। और ये वाटरफॉल देख के ना हमारा जोश और दुगना हो रहा है, पूरे ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है, और जो ऊपर ग्लेशियर है ना बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, उनसे पानी पिघलता है और तब जाके ये बड़ी सी नदी काली गंगा बनती है। और भाई ये देखो लोगों की यहाँ पे बाइकें खराब हुई हैं, तो गाड़ी के पीछे बांध के बाइक आ रही है भाई, वो देखो इन ऊंचे ऊंचे चट्टानों को देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी पता नहीं कोई सी चट्टान नीचे गिर जाएगी। और
थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है हम लोगों को। बहुत खराब रोड भाई, बहुत खराब रोड, और ऊपर शायद इससे भी खतरनाक रोड देखने को मिल सकती है। और इतने दूर भी इन जगहों पे नेपाल के गांव हैं, और थोड़ा आगे कुछ किलोमीटर आगे इंडिया के भी गांव हैं और लोग रहते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है तो 6 महीने लोग इधर धारचूला आ जाते हैं। इट्स कॉल्ड जन्नत। और हमारे ठीक सामने इतना बड़ा हिमालय का पहाड़ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है भाई। और अभी तक मेरी पूरी जर्नी में, जो उत्तराखंड राइड की जर्नी है, सबसे नज़दीक मैं यही पहाड़ देख रहा हूँ हिमालय का। और भाई इस जगह पे इंडिया के बहुत सारे गांव हैं। एक गांव ये है, एक गांव वो है, कुछ गांव यहाँ पे है, और वो सामने चोटी पे भी कुछ गांव है, और मेरे सामने भाई हिमालय पर्वत। वेलकम टू हिमालय। तो भाई अभी तक की जर्नी में उधर नेपाल वालों की रोड थी, और अब नेपाल वालों की रोड यहाँ तक ख़त्म होती है। इस आगे नेपाल वालों की रोड ख़त्म हो गई है। और गाइस हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रखे हैं, ऊपर जाएं या नीचे। वैसे रोड इधर जा रही है तो यही होगा शायद। चलो राइट से चलते हैं, राइट से चल के देखते हैं एक बार। वहाँ पे एक लेडी आ रही है, उनसे पूछते हैं भाई। ओम पर्वत, थैंक यू। तो गाइस अगर आपको वो नीचे पे घर दिखाई दे रहा ना, और भाई यहाँ पे ना कोई रोड है ना कुछ है, रोड 2-3 किलोमीटर पीछे तक है। और यार इस पहाड़ के बीच में इकलौता घर है, और वहाँ पे अभी भी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे चलते हुए इधर उधर। तो भाई मानना पड़ेगा इन लोगों को जो यहाँ पे इस कंडीशन में रह रहे हैं। तो भाई हमारे आर्मी के सोल्जर्स खड़े यहाँ पे और व्यू की फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत प्यारा व्यू है। भाई नीचे देखो भाई साहब, आराम से लेफ्ट से चलो भयंकर। ओ भाई भाई अपने टायर वैसे नहीं है ना जैसे हिमांशु भाई के टायर है, तो थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है इन टायरों में। ये एडवेंचर ना मेरी लाइफ का अभी तक का, ये रोड और ये एडवेंचर अभी तक का सबसे खतरनाक रहा है। और नीचे देखो भाई काली गंगा कितनी उफान पे है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ना जगह जगह पे पहाड़ों में ब्लास्टिंग हो रही है, और अब ये देखो ब्लास्टिंग से ना ये पहाड़ काटे गए हैं पूरे। वद्द क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ, खतरनाक भाई खतरनाक। यहाँ पे पहाड़ों से पानी टपक रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे भयंकर बारिश हो गई होगी। और भाई ये ऊपर से बहुत बड़ा झरना आ रहा है, और नीचे आने आने तक तो पानी सारा उड़ जा रहा है, रेनबो टाइप का बन रहा है, रेनबो टाइप का कलर दिख रहा है पानी में। और रोड बहुत ख़राब है भाई, ये देखो भाई रेनबो बन रहा है भाई यहाँ पे पूरा, देखो पूरा प्रॉपर रेनबो दिख रहा है। और भाई रोड देखो ना भाई, क्या हालत हो रखी है रोड की, गलत सीन भाई गलत सीन, बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पे भाई, बहुत गलत सीन। पाँव पूरा नीचे डूब रहे हैं कीचड़ में, ये देखो। तो भाई मैंने सोचा नहीं था यार यहाँ पे ऐसी रोड होगी भाई, ये पानी वाली कीचड़ वाली रोड। और पीछे तो भाई पूरा दलदल था, पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी आगे आ गई। मतलब हिमांशु भाई के टायर तो भाई ऑफ रोडिंग टायर है, पर भाई पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी ने कंट्रोल कर दिया भाई। दूध की नदी देखो, बिल्कुल सफ़ेद पानी एकदम सब वाइट, और ये प्यारी सी वाटर क्रॉसिंग भाई। ओ भाई 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 और भयंकर भाई, हवाएं चल रही है भाई बहुत तगड़ी। अब पूरा वेदर चेंज हो गया, और पूरे पहाड़ चेंज हो चुके हैं, बस रोड के हाल थोड़ा बुरे हैं। और हमने चैलेंज किया तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है हमें, ओम पर्वत तक। भाई हम लोग ना अब हिमालय की घाटियों में पहुंच गए हैं, और सामने इतना बड़ा सा हिमालय दिख रहा है, और हिमालय के बहुत ही करीब है हम दोनों, और हमें शायद वहीं जाना है, और उसी साइड ओम पर्वत है। तो यार दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बुद्धि में, और छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा गाँव है बुद्धि, और यहाँ पर हमारे आर्मी के सोल्जर्स के कैंप हैं ये साइड पर, और सामने भाई हिमालय पर्वत का प्यारा सा व्यू। और भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो यहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने की सोच रहे हैं, अगर कहीं पे कोई रेस्टोरेंट होगा तो। तो भाई अभी हम लोग रुके हैं बुद्धि में, और यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, और हम हाई एल्टीट्यूड में आ चुके हैं, और हवा चल रही है यहाँ पे थोड़ी सी तेज। तो भाई पेट पूजा भी हो चुकी है, और अब चलते हैं गुंजी की तरफ। तो भाई अभी 1:30 बज चुके हैं, यहाँ से ओम पर्वत है 62 किलोमीटर। और दोस्तों धीरे धीरे पूरा नज़ारा चेंज हो रहा है, जो नज़ारा हमें पहले देखने को मिल रहा था सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल चट्टान वाले पहाड़ मिलेंगे, बिल्कुल नंगे पहाड़ जिनमें एक भी पेड़ नहीं होता, और धीरे धीरे हम लोग हिमालय की गोद में जा रहे हैं। इट्स अ हेवन, ओ वाओ। और यहाँ पे भाई आर्मी का मे बी बेस कैंप टाइप का है कुछ। जन्नत में आ गए हिमांशु भाई, जन्नत में, क्या नज़ारा है मेरी आँखों के सामने, ऐसा लग रहा भाई मैं ना अभी कोई फिल्म देख रहा हूँ सीरियसली।
एक सपना था जो आज पूरा हो चुका है, ऐसी रोड में ऐसी जगह पे आने का और अपनी बाइक से आने का सपना। मैं लद्दाख तो नहीं जा पाया बट लद्दाख से खूबसूरत जगह आ चुका हूँ भाई। व्हाट अ व्यू। और यहाँ पे आर्मी कैंप है, ये पूरा आर्मी का इलाका है। मे बी यहाँ पे हमको पासेस वगैरह दिखाने पड़ेंगे अपने। तो गाइस यहाँ पे आईटीबीपी के सोल्जर्स थे और उन्होंने हमसे पास मांगे, तो भाई हमारे पास कल बन चुके थे। और अभी हम दोनों के अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी बाहर का बंदा नहीं है। तो भाई वी आर लकी, बहुत ही लकी हम दोनों। और मैंने सुबह आपसे कहा था कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब हम दोनों बहुत लकी हैं जो ओम पर्वत को देखने जा रहे हैं इस टाइम पर। और गाइस अभी ये रोड ना बिल्कुल डाउन है, हम लोग अभी कुछ किलोमीटर तक ऐसे डाउन जाएंगे, उसके बाद फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हमें जाना है उस साइड। याक, तो भाई साहब हम मतलब हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे पहुंच गए और ये याक ना हाई एल्टीट्यूड में ही रहते हैं। सारे के सारे याक दिखेंगे आपको यहाँ पे, ये देखो भाई। तो गाइस ये पूरा बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे हमारा आईटीबीपी के सोल्जर्स के बेस कैंप्स हैं और वो साइड पे एक छोटा सा गांव है उस साइड पे। और यहाँ से नाभी है लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास और ये सामने गांव गुंजी है एंड इस प्लेस से अपना ओम पर्वत है लगभग 17-18 किलोमीटर। भाई आराम से, भाई हिमांशु भाई आराम से, पत्थर के बने हुए घर दिख रहे होंगे आपको, ये प्लेस है गुंजी। और भाई अभी भी यहाँ पे लोग रहते हैं और ऐसे रहते नहीं, पत्थर के मकानों में रहते हैं, पत्थर और मिट्टी से बने हुए मकान है। और गाइस यहाँ से ना दो रोड कट रही थी, एक लेफ्ट को जा रही थी वो जाती है नाभी और ये वाली रोड जा रही है ओम पर्वत के लिए। और नाभी से आगे आदि कैलाश पर्वत है। और गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको इजीली होम स्टे कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये देखो इधर बहुत सारे होम स्टे हैं और इजीली आपको अच्छे रेट पे 1000 से 1500 के रेट पे पर पर्सन आपको होम स्टे मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे हमारे पासिस वगैरह चेक हो रहे हैं जो हमने धारचुल में बनाए थे। परमिट होना चाहिए भाई, दो जगह पे परमिट चेक हुआ है, तो गाइस बिना परमिट के आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तो गाइस फाइनली पासिस वगैरह चेक हो गए, हमारे परमिट्स चेक हो गए और पूरे रास्ते में ना धूल से नहा चुके हम लोग, पूरी गाड़ी में धूल ही धूल हो गई, हम लोग पूरे कपड़ों में धूल धूल हो गई है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे बॉडी में एक नया जोश आ रहा है, एक नया जुनून आ रहा है। स्नोफॉल हुई होगी कुछ दिन पहले, तो भाई ये देखो। तो भाई यहाँ पे थर्ड चेक पोस्ट था और यहाँ पे भी हमारा परमिट चेक हुआ है, तो देख रहे हो भाई कितना ज़रूरी है परमिट यहाँ के लिए। चलो भैया चलो इन वादियों में आगे बढ़ें। भाई ये देख रहे हो आप, तो भाई देखो तुम्हारा भाई कहाँ पहुँच चुका है भाई, जन्नत, जन्नत में पहुँच गए भाई, स्कॉल हेवन। इससे ऊपर की जन्नत कोई नहीं भाई, इससे ऊपर हेवन, यही हेवन होता है, इससे ऊपर कोई हेवन नहीं होता। और गाइस जब ये रोड ना पूरी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से इसमें पेंटिंग वगैरह हो जाएगी ना, फिर तो भाई यहाँ पे देखना उतने सारे लोग लद्दाख नहीं जाएंगे जितने सारे लोग इस प्लेस में आएंगे, क्योंकि भाई जब रोड चकाचक हो जाएगी ना तो हर कोई इधर ही आएगा भाई। और भाई ये देख रहे हो तुम बर्फ़ का टीला भाई, बहुत नरम बर्फ़ है। तो गाइस फाइनली मैं यार वादियों में पहुंच चुका हूं। ये पीछे देखो भाई कितने प्यारे प्यारे पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुकी है और भाई धीरे धीरे यहाँ पे अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में तुम्हें बताया जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी यार ओम पर्वत पे चलते हैं जल्दी से। और भाई सामने वाला पहाड़ देख रहे हो, इसकी करने का मजा है इस पहाड़ में भाई। देखो ना ऊपर से क्या स्लोप आ रही है नीचे और पूरा पहाड़ भयंकर बर्फ से भरा हुआ है। मैं पहली बार किसी ऐसी जगह पे आ रहा हूँ कि मेरे अगल बगल चारों तरफ स्नो और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में मैं अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ। भाई मेरा ना एक सपना सच हो गया है, सीरियसली
और भाई ऐसा सेम व्यू ना स्पीति वैली में भी देखने को मिलता है, सेम डिट्टो ऐसा ही व्यू। तो भाई स्पीति के मज़े भी हमने अपने उत्तराखंड में ले लिए। और यार अभी ना मेरा मन कर रहा है कि मैं बस रिकॉर्ड करता जाऊं, कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक हफ्ते पहले आते ना तो भाई पूरी रोड जैम रहती, क्योंकि पूरी बर्फबारी हुई है और कुछ दिन पहले ये बर्फ यहाँ से हटाई गई होगी क्योंकि आर्मी भी होती है ऊपर। इफ हमारा पास भी बनता ना तो भी हम नहीं आ पाते क्योंकि भाई पूरी रोड में बर्फ रहती। बट भाई वो कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा नहीं होता ना तब तक तुम वहाँ नहीं जा सकते। एंड लगता है भगवान का बुलावा था, ओम पर्वत का बुलावा था हम दोनों के लिए। और यहाँ पे यार इन ग्लेशियर से ना पानी बहता रहता है तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलानी पड़ रही है बाइक। ओ भयंकर। चलो भाई चढ़ जाएगी। जय महाकाल। तो यार गाइस देख रहे हो टायर पूरे अपने आप ही घूम रहे हैं, वेट ज़्यादा हो गया है। ओ भाई हिमालयन भाई चढ़ जा, मैं देता हूँ धक्का, रुक जा अपनी गाड़ी पकड़ी करता हूँ भाई। और भाई बहुत ही टफ है आगे जाना। भाई क्या हो रहा है, इधर आओ सूखे में। आ गया, गाड़ी आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है भाई। ये देखो ओ भयंकर, पानी में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, टायर स्लिप मार देता है। तो गाइस फाइनली यार ओम पर्वत के दर्शन में हो रहे हैं। यहाँ से वो सामने देखो भाई ओम पर्वत, ओ भाई वो देखो आपको ओम की शेप दिख रही होगी ऐसे ओम ऐसे करके भाई वो देखो। पर अभी क्या ना थोड़ा बर्फबारी ज़्यादा हो गई, बट जब थोड़ा सा कम बर्फ रहती है ना उस टाइम भाई पूरा का पूरा साफ नज़र आता है। बट अभी भी साफ नज़र आ रहा है सामने ओम पर्वत। भाई हमारे भाग्य को गए सीरियसली ओ माई गॉड। तो गाइस फाइनली यार हम ओम पर्वत के सामने हैं और अभी गाड़ी को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है यू आर द एंट्री का रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो भाई हमें इससे आगे गाड़ी नहीं ले जानी क्योंकि आगे पूरा भाई गाड़ी का रास्ता पूरा बंद है। तो हमें यहाँ से भाई पैदल ही थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो गाइस अभी आपको वो सामने जहाँ पे मेरा हाथ है ना वहाँ पे पूरी ओम की आकृति दिखाई दे रही होगी, पूरा ओम दिखाई दे रहा है। बट जब स्नोफॉल कम होता है यहाँ पे जून के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे ओम की आकृति बनी हुई है ना वहीं वहीं पे बर्फ रहती है और बाकी जो नीचे वाले पहाड़ है वहाँ पे पूरी बर्फ पिघल चुकी होती है और बहुत ही प्यारा दिखता है ओम पर्वत। और एकदम से पता चलता है कि भाई ये ओम पर्वत है। और मैंने तो भाई नीचे से ही पहचान लिया था कि भैया हम ओम पर्वत में पहुँच चुके हैं। तो भाई मैं बहुत लकी हूँ यार, बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। पहले तो यार जब हमने ओम पर्वत की जर्नी स्टार्ट करी थी ना तो हम किसी से भी पूछे थे कि भैया ओम पर्वत का रास्ता खुला है या बंद है, पास मिल रही है या नहीं मिल रही, तो सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। सब बोल रहे थे कि भाई ओम पर्वत के ना पास मिल रहे हैं और ना ही वहाँ पे जाने का रास्ता है, सब जगह बर्फबारी हो चुकी है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। बट यार जब भगवान का बुलावा होता है ना कुछ भी कर लो तुम उस जगह पे पहुँच जाते हो जहाँ पे तुम्हें पहुँचना होता है। तो भाई फाइनली मैं ओम पर्वत पे पहुँच चुका हूँ और मेरे सामने भाई ओम पर्वत की विराजमान है। एंड मैं यार बहुत लकी समझ रहा हूँ खुद को कि भाई ये अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। और अभी मुझे जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा भगवान आप पे कृपा बनाए रखें। तो भाई यहाँ पे ना पूरी वैली को निहारने में देखने में इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल यार थोड़ा कम है, तो हल्की सी सांस में हल्की सी मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा सांस लंबी ली जा रही है। और भाई मेरे सामने उस साइड पे ओम पर्वत जी हैं और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड अभी यार यहाँ से निकलते हैं ओम पर्वत से क्योंकि अभी 5 बजने वाली है और हमें आज रुकना है नाभी में रुकना है।
एंड यार नीचे जाते जाते मे भी रात भी हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है। तो अभी गाइस यहाँ से निकलते हैं, ओम पर्वत जी के दर्शन करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है मन को। तो गाइस एक बार फिर से दर्शन कर दीजिए ओम पर्वत के और ओम नमः शिवाय। एंड अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से नाभि के लिए, क्योंकि भाई रात हो जाएगी जल्दी और ठंडा भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नाभि के लिए एंड लगभग एक घंटे के आसपास हम लोग मे भी नाभि पहुँच जाएंगे। और एक बार यार इस व्यू को एंजॉय कर लो, इस व्यू को निहार लो, अपनी आँखों में बसा लो, क्योंकि भाई मैं तो यार बहुत सारी मेमोरीज लेके चल रहा हूँ यहाँ से, इस व्यू से, ओम पर्वत से और इन बर्फ़ के टीलों से भाई। एंड गाइस ओम पर्वत यार बस दिल में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया और आँखों में बैठ गया। अब इस एरिया को करते हैं भाई टाटा बाय बाय और आपसे भी अभी मिलते हैं भाई नाभि में, क्योंकि अभी मेरे कैमरे की बैटरी भी खत्म होने वाली है तो छोटे छोटे शॉट्स लूंगा मैं जाते में। तो गाइस अभी आपसे मिलते हैं सीधे नाभि में और आप यहाँ के छोटे छोटे शॉट्स एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी हम लोग हैं नाभि से थोड़ा सा पहले एंड यहाँ का नाम है गुंजी और नाभि यहाँ से है लगभग 3 से 4 किलोमीटर एंड यहाँ पे भी यार एक होम स्टे है, तो यहाँ पे भाई एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ना गुंजी में ही होम स्टे लिया है, क्योंकि भाई रात भी हो गई थी और नाभि यहाँ से भाई 4 किलोमीटर था। और भाई अभी आते ही ना भाई हमने चाय मंगवा ली, क्योंकि भाई ठंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, पाँव तो सुनोगे। और भाई अभी हम लोग ना यहाँ पे आग सेक रहे हैं क्योंकि भाई बहुत ठंडा हो रहा था, हाथ गर्म कर दो भाई पहले। तो यार गाइस आज ना छोटी दिवाली है, तो हम लोग यार घर पे तो है नहीं, तो हम लोग यहीं पे छोटी दिवाली मना रहे हैं। तो हमने 2 फुलझड़ी लिए और 2 अनार लिए, तो हम लोग यहीं पे जलाएंगे भाई। और आप सभी को जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। भाई यहाँ पे आंटी अभी हमारी फोटो खींचने वाली है मेमोरीज के लिए, क्योंकि भाई हम इतनी हाइट में और हाइट में भाई पुंजी में हम दिवाली मना रहे हैं, तो भाई फोटो तो बनती है ना यार। यस यस हैप्पी दिवाली गाइस। पर आंटी यार हमारे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाने वाली है अभी। तो भाई अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं और ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग ना खाना खा के आ गए हैं अपने रूम में और भाई आंटी ने बहुत टेस्टी खाना बना रखा था। और यार अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो जल्दी से हम कंबल में आ गए, कंबल के अंदर लेट गए। और अभी हम लोग अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है डेली के कंटेंट आ रहे हैं, डेली के ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको कल का प्लान बता देता हूँ कि कल हमारा क्या प्लान होने वाला है। हिमांशु भाई बताओ कहाँ जाने वाले हैं हम कल? तो यार गाइस कल हम यहाँ से जाने वाले हैं आदि कैलाश, क्योंकि आदि कैलाश यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो आदि कैलाश के भी दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि यार वैसे हमारा प्लान नहीं था आदि कैलाश जाने का, हमने सिर्फ ओम पर्वत सोच के आए थे, बट यार हम इतने ऊपर आ चुके हैं, बस 30-40 किलोमीटर दूर है आदि कैलाश, तो यार दर्शन करना तो बनता ही है आदि कैलाश के। एंड अभी इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, की जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 2K करवा दो यार, बस 2K करवा दो सबसे पहले। भाई के 2K कंप्लीट हो जाएंगे ना भाई, तो हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी राइड पे जाने वाले हैं, दूसरी राइड पे। हाँ बहुत लॉन्ग राइड और वो है, बहुत ज्यादा मजा आएगा बता रहा हूँ। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।